हेलो गाइज, आप देख रहे हैं क्लैश विद संदीप। आज के वीडियो में यहाँ पर मैं आप सबको बताऊंगा कि आप क्लैश रॉयल में एक परफेक्ट डेक कैसे बना सकते हैं। तो भाई लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लैश रॉयल में एक अच्छा सा डेक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटल वॉन करने के लिए। एक डेक में आप ओनली 8 कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, एंड जो आपका पहला कार्ड है वो बेसिकली एक विन कंडीशन कार्ड होना चाहिए। विन कंडीशन ऐसे कार्ड्स रहते हैं जो कि डायरेक्टली टावर को टारगेट करते हैं एंड इन्हें काफ़ी इजीली डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। क्लैश रॉयल गेम में काफ़ी सारे विन कंडीशन कार्ड है, जैसे कि हॉग राइडर, रैम राइडर, जाइंट, रॉयल जाइंट, लून, गॉबलिन बैरल माइनर एंड ऐसे और भी बहुत सारे विन कंडीशन कार्ड है। ये बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा विन कंडीशन कार्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। क्लैश रॉयल में दो डिफरेंट टाइप के विन कंडीशन कार्ड है। पहला, जिनका एलिक्सर थोड़ा कम है, दूसरा जिनका एलिक्सर थोड़ा ज़्यादा है। एंड आप जो विन कंडीशन कार्ड सेलेक्ट करेंगे उसका इम्पैक्ट पूरे डेक पर पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर एक हैवी विन कंडीशन कार्ड लेते हैं, देन आपके डेक में बाकी के जितने भी कार्ड है यहाँ पर आपको लो एलिक्सर वाले कार्ड लेने पड़ेंगे। एंड अगर आप लोग यहाँ पर एक लो एलिक्सर वाला विन कंडीशन कार्ड लेते हैं, देन आपके डेक में बाकी के जितने भी कार्ड से आप इसमें हाई एलिक्सर वाला कार्ड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड कार्ड, आपको एक चीप स्पेल लेना है। क्लैश रॉयल गेम में काफ़ी सारे चीप स्पेल हैं, जैसे कि यहाँ पर लॉग, जैप, स्नोबॉल, अर्थक्विक एरोस एंड ऐसे और भी बहुत सारे चीप स्पेल है। ये बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीप स्पेल लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको चीप स्पेल विन कंडीशन को ध्यान में रख के लेना है। अगर आप लोग विन कंडीशन में हॉग राइडर का यूज़ कर रहे हैं, देन आप इसके साथ चीप स्पेल में जैप का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ पर विन कंडीशन में एक्सबो का यूज़ कर रहे हैं, देन आप इसके साथ चीप स्पेल में यूज़ कर सकते हैं लॉग। मेरा बोलने का ये मतलब है कि जो आपका चीप स्पेल है वो बेसिकली आपको बस विन कंडीशन को ध्यान में रख के ही लेना है। तो यहाँ पर चीप स्पेल यूज़ करने का और भी एडवांटेजेस है, जैसे कि जो चीप स्पेल है ये बेसिकली साइकिल कार्ड्स होती है एंड आप चीप स्पेल के मदद से स्वान्स को भी काफ़ी ईजिली काउंटर कर सकते हैं। तीसरा कार्ड, आपको एक बिग स्पेल लेना है। तो यहाँ पर बिग स्पेल में आ जाते हैं फायरबॉल, पॉइजन, लाइटनिंग, रॉकेट एंड फ्रीज। तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक कार्ड लेना है, बट यहाँ पर आप जो कार्ड सिलेक्ट करेंगे बिग स्पेल में, इसको भी यहाँ पर आपको विन कंडीशन को ध्यान में रख के लेना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग विन कंडीशन में हॉग राइडर का यूज़ कर रहे हैं, देन आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं फायरबॉल। अगर आप लोग विन कंडीशन में ग्रेवयार्ड का यूज़ कर रहे हैं, देन आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं पॉइजन, क्योंकि जो पॉइजन है ये स्वान्स को काफ़ी इजीली काउंटर कर सकता है। एंड अगर आप लोग यहाँ पर विन कंडीशन में रॉयल जायंट का यूज़ कर रहे हैं, देन आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं लाइटनिंग, क्योंकि जो लाइटनिंग स्पेल है ये जो हमारा इन्फर्नो टावर है इसे काफ़ी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपका बिग स्पेल है वो बेसिकली आपको विन कंडीशन को ध्यान में रख के ही लेना है। फोर्थ कार्ड, आपको एक टैंक किलर लेना है। क्लैश रॉयल गेम में काफ़ी सारे टैंक किलर कार्ड है, जैसे कि इन्फर्नो ड्रैगन, इन्फर्नो टावर, पेक्का, मिनी पेक्का, हंटर, प्रिंस एंड ऐसे और भी बहुत सारे कार्ड है। तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक कार्ड लेना है टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिफ्थ कार्ड में आपको स्वाम्स लेने हैं। तो स्वाम्स ऐसे कार्ड रहते हैं जो कि झुंड में आते हैं, जैसे कि स्केल्टन आर्मी, गॉबलिन गैंग, गार्ड्स, स्पेयर गॉबलिन, बैट्स, मिनियंस एंड ऐसे और भी बहुत सारे कार्ड है। तो यहाँ पर आपको अपने डेक में कोई एक स्वाम्स तो रखना है, क्योंकि जो स्वाम्स है ये आपके टावर को काफ़ी ईजिली डिफेंड कर सकती हैं, प्लस आप स्वाम्स के मदद से जो टैंक्स हैं इन्हें भी काफ़ी ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिक्स्थ कार्ड में आपको मिनी टैंक्स लेना है। तो मिनी टैंक्स ऐसे कार्ड रहते हैं जिनका एलिक्सर कम रहता है, बट जो इनका हिट पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड आप मिनी टैंक्स की मदद से डिफेंस एंड ऑफेंस दोनों कर सकती हैं। तो क्लैश रॉयल गेम में काफ़ी सारे मिनी टैंक्स हैं, जैसे कि वॉल कैरी, डार्क प्रिंस, मिनी पेक्का एंड ऐसे और भी बहुत सारे कार्ड है। तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक कार्ड अपने डेक में लेना है। सेवेंथ कार्ड में आपको एक सपोर्ट कार्ड लेना है। तो सपोर्ट कार्ड ऐसे कार्ड्स रहते हैं जो कि आपका विन कंडीशन एंड बाकी के जितने भी कार्ड्स हैं इन्हें सपोर्ट दे सके। जैसे कि यहाँ पर आप सपोर्ट कार्ड में यूज़ कर सकते हैं एयर ट्रूप, या आप सपोर्ट कार्ड में यूज़ कर सकते हैं ऐसा ट्रूप जो कि एयर एंड ग्राउंड दोनों को टारगेट कर सके। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका सपोर्ट कार्ड है वो बेसिकली आपको विन कंडीशन एंड बाकी के जितने भी कार्ड है इनको ध्यान में रख के लेना है।
जो एर्थ कार्ड है, आप इसमें कोई भी कार्ड ले सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एक और विन कंडीशन, या आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक और सपोर्ट कार्ड, या आप यहाँ पर अपना फेवरेट कार्ड ले सकती हैं। बेसिकली जो एर्थ कार्ड है, आप इसमें कोई भी कार्ड यूज़ कर सकती हैं जो आपको पसंद है। डेक बनाने टाइम आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो आपके डेक का एवरेज एलिक्सर कॉस्ट है, ये 4.1 एलिक्सर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके डेक का जो एवरेज एलिक्सर कॉस्ट है ये 4.1 से ज़्यादा हुआ, देन आप अपने कार्ड्स को फास्ट साइकिल नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।